अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल मिनी व्लॉग्स। आज की मेरी वीडियो है मेबलिन न्यूयॉर्क फिट मी फाउंडेशन के ऊपर। ये फाउंडेशन मैंने फेसबुक के एक पेज से परचेस किए हैं, वेगस नामी एक पेज है वहाँ से। सो मैंने कहा इसको यूज़ करते हैं, देखते हैं इसका रिज़ल्ट कैसा है और फिर आप लोगों के साथ इसके रिज़ल्ट को शेयर करूँगी। सो मैं इसको 2 टाइम यूज़ कर चुकी हूँ। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊं, देखें कुछ इस तरह की इसकी पैकिंग है। पैकिंग देखें इस तरह की है, प्लास्टिक का एक पाउच है, उसके अंदर ये मेबलिन फिट मी फाउंडेशन है। इस पे मेरा शेड नंबर लिखा हुआ है और इसकी क्वांटिटी इसके बैक साइड पे मेंशन है। 5 ml क्वांटिटी है इसकी। 199 rupees का विदाउट डिलीवरी चार्जेस मैंने ये परचेस किया है। 199 में मुझे 5 ml इसकी क्वांटिटी मिली है। ये मैंने तकरीबन बकरीद से कुछ 1 महीने पहले ऑर्डर किया होगा और ईद के बाद यानी तकरीबन 1 महीने के बाद मुझे ये रिसीव हुए हैं, ये 2 पाउच, जिसमें से एक ये देख लें, ये सील पैक है, ठीक है, ये बिल्कुल सील पैक है। और सेकंड मैं यूज़ कर चुकी हूँ। अच्छा, पैकिंग की बात हो गई, क्वांटिटी के बारे में बता दिया, अब मैं आप लोगों को बताती हूँ इसकी कंसिस्टेंसी कैसी है। ये कुछ इस तरह की कंसिस्टेंसी है इसकी, ये देखिए, ना ज़्यादा थिक है और ना ज़्यादा रनी है। है तो ये रनी ही, लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं है। लोग जैसे फाउंडेशन होते हैं उस तरह का, लेकिन मुझे ये बाकी फाउंडेशन से थोड़ा सा पतला लगा। और ये देखिए कुछ इस तरह का है। आप इसे ब्यूटी ब्लेंडर से भी ब्लेंड कर सकते हैं और ब्रश की मदद से भी लगा सकते हैं, लेकिन बात यहाँ ख़त्म नहीं हो जाती। मसला ये है कि क्या ये फाउंडेशन फुल कवरेज देता है, क्या ये लॉन्ग लास्टिंग है, स्टे करता है या नहीं करता। तो ये क्या ये फाउंडेशन लॉन्ग लास्टिंग है या नहीं है। तो ये फाउंडेशन पहली बात फुल कवरेज नहीं है, सेकंड ये लॉन्ग लास्टिंग भी नहीं है। और जिस पेज से, वेगस पेज से मैंने ये मंगवाया था, उन्होंने कहा था ये ओरिजिनल है और ये मुझे नहीं लगता कि ये ओरिजिनल है। मतलब मैं इससे बहुत, इन पाउच से मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हुई। यानी कि अगर हम में से कोई भी पूरा कंप्लीट इसकी बॉटल या इसका पंप जो भी है वो परचेज़ नहीं कर सकता, सिर्फ ट्राई करने के लिए इन पाउचेस को यूज़ करता है या मंगवाता है, तो वो ऑब्वियसली डिसअपॉइंट होगा, क्योंकि ये बिल्कुल मेरी नज़र में तो यूज़लेस है अगर ये हमें फुल कवरेज नहीं देते या ये स्टे नहीं करता। इस बिल्कुल भी इसने स्टे नहीं किया मेरे फेस पर, और इसके अलावा ये फुल कवरेज नहीं है। यानी अगर कोई डार्क स्पॉट है या डार्क सर्कल्स हमारे फेस पे या किसी भी किस्म का कोई मार्क है, तो वो मार्क भी नहीं हाइड हुआ। इसके अलावा ये जम रहा है फेस के ऊपर, लाइक अजीब सा इसका कुछ टेक्सचर है, बिल्कुल जैसे इससे, जैसे फेयर एंड लवली हमारे फेस पे जम जाती है ना, लाइक इसी तरह से ये जम रहा है। तो मेरा ये ख्याल नहीं है कि मैं आपको इसको रिकमेंड करूँ आप परचेज करें, और अगर फिर भी आप परचेस करना चाहते हैं तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी। तो अगर आज की वीडियो आप लोग को पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आप इसे परचेस करना पसंद करेंगे या नहीं, या आपका इसके साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा। सो लाइक एंड शेयर। अल्लाह हाफिज़।